इंस्ट्रक्शनल मटीरियल फॉर लैंगवेज लर्निंग ये स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे इंस्ट्रक्शनल मटीरियल फ़ॉर लैंगवेज डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है यानी मुझे तदरीसी मवाद जो है मटीरियल है उसके बारे में बात करनी है जो लैंगवेज डिवेलपमेंट या लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से काम आता है सो इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉटेंस है इंस्ट्रक्शनल मटीरियल यानी तदरीसी मवाद जो होता है ये बेसिकली टीचर के काम का है वो टीचर के लिए ये ज़रूरी है इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स आर क्रूशल फॉर एफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं दे कैन प्रोवाइड एक्सपोयर टू न्यू वेकेबलरी वो नई ज़ुबान सीखने में लिए एक एक्सपोयर फ्राहम करते हैं यानी बच्चों के साथ उसका इंट्रोडक्शन नए वर्ड्स का और इस तरह उनको सिखाना फिर ग्रामर ग्रामर के असूल या प्रिंसिपल सिखाना इसमें टीचर का बहुत गहरा रोल है और इसमें टीचर के पास जो मटेरियल होगा कुछ एक्टिविटी बुक्स या वर्क बुक्स या इस तरह की चीज़ें वो उसकी मदद करेंगी एंड लैंग्वेज फंक्शंस और ये लैंग्वेज के फंक्शन है so well तो जो हैं उन उस लिहाज से सो एज़ वेल एज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड फीडबैक तो इससे जो इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है उससे ये है कि लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से प्रैक्टिस और फीडबैक जो रहनम होती है जो उनकी एक्टिविटीज़ या सरगर्मियों पर या उनके असाइनमेंट्स पर टास्क पर टीचर का जो फीडबैक है वो बहुत गहरा रोल अदा करता है और केयरफुली सिलेक्टेड एंड डिज़ाइन टू मीट नीड्स ऑफ लर्नर और इसको ये जहन में रखना चाहिए कि जब इस सिलसिले में आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है जो माहरीन ये करते हैं तो बच्चों की नीड्स ज़रूरियात को और उनकी जो इंटरेस्ट है उसको देखते हैं आप देखें ए, वर्ड फैमिली कप केक्स ये एक आपके सामने है पिक्चर सी है जिसमें आप देखें बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए जो थ्री मार्फ्यूम वाले वर्ड्स हैं जैसे रैट बैग सन हिट जिप मैन वगैरह इसी तरह आगे जो डबल मार्फ्यूम वाले वर्ड्स हैं ट्रिपल वाले हैं या फोर्थ वाले हैं सेलेबल्स वाले उन वर्ड्स की प्रैक्टिस या सेम साउंड वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस इस तरह टीचर जो है वो आ, मतलब ख़ुद भी डेवलप कर सकता है अपनी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और जो मार्केट में भी अवेलेबल होता है वो भी यूज़ कर सकता है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स किस किस्म का यानी इसकी अकसाम क्या होती हैं तो बहुत सी किस्में होती हैं जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की दैट कैन बी यूज़ फॉर लैंग्वेज लर्निंग जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है इसमें शामिल हैं टेक्स बुक्स हैं वर्क बुक्स हैं ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं तो छोटे बच्चों के लिए कार्टून हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग है वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा बच्चे दिलचस्पी से करते हैं और लैंग्वेज गेम्स हैं मसल वर्ड्स पज़ल्स हो सकते हैं या मुख्तलफ स्पेलिंग्स को मिलाकर वर्ड्स बनाना इस तरह एंड रियल लाइफ मटीरियल्स जो हकीकी ज़िंदगी का मटीरियल है वो सच न्यूज़पेपर एन मैगज़ीन तो मैगज़ीन भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाजूकत तो उसमें छपती हैं और न्यूज़पेपर्स में भी तो चॉइस ऑफ मटेरियल इज़ बेस्ड ऑन द लर्नर्स लव ऑफ प्रोफिशेंसी तो इस सब का यानी इस मटेरियल का इंतखा करने का इहसार बच्चे की महारत पर और उसकी दिलचस्पी पर उसका इहसार है और लर्निंग स्टाइल्स और इंटरेस्ट और बच्चे किस तरह लर्निंग स्टाइल्स इसमें हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना होगा इनफरादी तौर पर बच्चों को देखना होगा उनकी इंटरेस्ट और उनके स्टाइल्स को देखना पड़ेगा और उनकी इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा अब हम एक तस्वीर में आपको सामने चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं विच टाइप ऑफ क्लोदिंग कुड इट बी ठीक है कैन यू गेस द आइटम कैन यू गेस द एनिमल विच फूड इज इट सो ऑब्जेक्ट फीचर्स यानी मुख्तु जो चीज़ें हैं उनकी जो फीचर्स हैं शक्लें हैं उनके बारे में बच्चों से हम क्वेश्चन करके उनसे उनके अंदाजे को मतलब गैस कराना उनसे ठीक है उनसे इस तरह उनको उनमें में तजस पैदा करना एक्टिविटी पैदा करना और इस तरह घर की चीज़ें हम उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से ऐसा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिसमें उनकी इंगेजमेंट शामिल हो जो उनके इंटरेक्शन शामिल हो उसमें इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे मटेरियल को सिलेक्ट करें तो सबसे पहली बात यह है वैन सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन मटीरियल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया है अथेंटिसिटी तो सबसे पहले बात यह है कि जब भी हम बच्चों को नॉलेज देना शुरू करें तो छोटा बच्चा या वो बच्चे तो इलिटरेट होते हैं या अभी उनमें वो सलाहियत नहीं होती कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी सही है लिहाजा उनको अथेंटिक मटीरियल दिया जाए द मटीरियल शुड अथेंटिक एंड रेलिवेंट टू द लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट तो जो अथेंटिक मटेरियल हो दुरुस्न मटेरियल हो और उनकी इंटरेस्ट और नीड्स के मुताबिक हो फिर अप्रोप्रिएटनेस दूसरा क्राइटेरिया द मटेरियल शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर लर्नर्स लेवल ऑफ प्रोफिशंसी यानी बच्चों की महारत के लिहाज से वो मटेरियल मुनासिब हो और वो उनको मतलब जो उनका लेवल हो जो उनका जहनी मैार हो काग्नेटिव लेवल हो उसके मुताबिक उनको दें एंड लैंग्वेज लर्निंग गोल्स तो लर्निंग गोल्स ये याद रखें कि टीचर को सबसे पहले अपने गोल्स मुकर करने चाहिए तो कोई भी लैंग्वेज जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसके चार गोल्स हैं सबसे पहले लिसनिंग का फिर स्पीकिंग का है फिर रीडिंग का और फिर राइटिंग का है तो अब इन में से टीचर को हर एक एक, एक गोल लेकर उसके मुताबिक मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए सिलेक्शन uh, क्राइटेरिया में नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हैं क्लैरिटी जो मटेरियल आप सेलेक्ट करें वो क्लियर होना चाहिए द मटेरियल शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड तो क्लियर होना चाहिए और उसको समझना आसान हो और सबसे अहम बात अगला क्राइटेरिया है चौथा रेलिवेंस अब देखें द मटेरियल शुड बी रेलिवेंट टू द लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट तो कल्चरल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हो अब ये देखें कि ऐसा ना हो कि आप बाहर डेंगी या कोरोना की वबा फैली हुई, हुई हो क्लास रूम में आप सल्तनत मुगलिया के जवाल के इसबा पढ़ा रहे हो तो इससे भी एक ए, बहुत ख़राबी वाली बात है और बच्चों की एज के मुताबिक उनकी नीड के मुताबिक उनके रेलिवेंट इन्वायरमेंट के मुताबिक और कल्चर के मुताबिक उनको मटीरियल दें और वो पढ़ाएँ और यही चीज़ें उनको अब स्पीच लैंग्वेज थेरापी में मटीरियल क्या है एक्टिविटीज़ हैं रिसोर्स हैं गेम्स हैं एंड आइडियाज़ हैं जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन सप्लीमेंट्स हैं तो इसमें क्या एनिमल्स हैं फूड्स हैं आप देखें एलिफेंट है बटरफ्लाई है तो आप बच्चों को आप इनको इनकी जो कैटेगरीज हैं या इनकी जो स्पीशीज़ हैं उनके लिहाज से उनको अलग अलग करके उनकी आप पहचान करा सकते हैं इस तरह फूड्स की जो टाइप हैं उनके मुताबिक उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं उनको पिक्चर्स दिखाकर उनसे पूछ सकते हैं डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अगर टीचर ख़ुद डिज़ाइन करे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तो उसको भी इन बातों पे ख्याल रखना चाहिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डिज़ाइन टू इनहस लैंग्वेज लर्निंग तो लैंग्वेज लर्निंग को बढ़ाने के लिए उसको मटेरियल इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए दे कैन बी डिज़ाइन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्टिव लर्निंग तो बच्चों के साथ आप देखें आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि देखें छोटे बच्चों के साथ जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो उनकी लर्निंग बेहतर नहीं होगी बच्चों को आप जो बड़ों के लिए तकरी तरीका है वो नहीं इख्तियार कर सकते बच्चों के लिए आपको जो है इंटरेक्शन के ज़रिए गेम्स के ज़रिए इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाएंगे सच एज़ ग्रुप वर्क है बच्चों को ग्रुप बना के एंड रोल प्ले और है ये बड़ा चैलेंजिंग काम है बच्चों की उस वक्त गाइडेंस और उनकी को जो कंट्रोल करना है और इसमें हमारा सारा जो क्लासरूम का डिज़ाइन है वो बदल जाएगा एंड फैसीटेट लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड फीडबैक तो वो मटीरियल बच्चों को फेसिलिटेट करेगा उनकी लैंग्वेज के लिए और उनकी प्रैक्टिस के लिहाज से और इंस्ट्रक्शन मटीरियल आलसो डिज़ाइन टू इन कारपोरेट टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी उसमें शामिल करें मसन ये है कि अब आप, आप उसमें मोबाइल यूज़ कर सकते हैं आप उनमें मल्टाई मीडिया यूज़ कर सकते हैं आप उसमें टेप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं या रेडियो यूज़ कर सकते हैं या कुछ और इस तरह के गैजट्स आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्स को यूज कर सकते हैं अब अब देखें इसमें रूटिंग आउट वर्ड्स तो वर्ड्स की रूटिंग ठीक है डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शनल द इंस्ट्रूमेंट एंड द साउंड्स साउंड ऑफ सिंगर्स एंड पीपल गिविंग स्पीच इज कॉल्ड आंसर क्या है माइक्रोफोन्स सो वट डज सफिक्स फोन मीन तो अब इसके लिए भी ये देखें कि ये डिफरेंट उसके बच्चों से आप पूछ के आंसर और उनको फिर आप गाइड करें तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ उनको बच्चों को आप उनको इन चीज़ों को यानी टीचर ये मटेरियल अपनी उसमें मार्केट से भी सिलेक्ट कर सकता है और ख़ुद भी वो ले सकता है और खुद उसको भी इस्तेमाल कर सकता है अब इन इंस, यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के सिलसिले में मज़ीद कुछ बातें हैं यूज इन वैरायटी ऑफ वेज सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग बहुत मुख्तिफ़ तरीके से कई तरह तरीकों से हम इस मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं दे कैन बी यूज़ इन क्लास रूम एज वेल एज आउटसाइड द क्लास रूम कि ये जो मटेरियल है आप इसको क्लास रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको घर के लिए भी आप उनको बच्चों को या पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके उसको भी आप दे सकते हैं सच एज थ्रू होमवर्क असाइनमेंट्स बच्चों को होमवर्क देना अब मसलन ये है कि अगर आप फर्ज करें मैथ का आप देना है उनको तो आप बच्चे को ये असाइनमेंट दे सकते हैं कि आपके घर में जो कोई टेबल है उसकी मेजरमेंट करके लाएं या आप जो आपका रूम है उसकी मेजरमेंट आपने अम्मी या अबू की मदद से आप करके लाएं या कुछ इस तरह की और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ याद रखें जो जो लर्निंग होती है उसको अगर हम एक्सपीरियंशल लर्निंग बना दें तो वो बच्चों के लिए लर्निंग परमानेंट होगी इंस्ट्रक्शनल मटीरियल यूज इन कॉम्बिनेशन तो एक ही वक्त में बहुत सारे बहुत सारे दो चार चीज़ें मिलाकर हम उसको कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं विद अदर लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज दूसरी लैंग्वेज स्ट्रेटजीज के साथ और सच एज़ लैंग्वेज गेम्स एंड रियल लाइफ मटेरियल तो रियल लाइफ मटेरियल जो हैं उनका उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आपके इन्वामेंट में वो चीज़ें पाई जाती हैं तो आप उनके साथ रिलेट करके आप उनको लैंग्वेज डिवेलप uh, करें या लैंग्वेज उनको पढ़ाएँ तो ये थी डिटेल कि हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को किस तरह इस्तेमाल करें और कैसे हम उसको बनाएँ और या किस तरह उसको इस्तेमाल करें